पूरी दुनिया में कोरोना काल के बीच कोरोना बीमारी नहीं एक घोटाला बताने वाले गुजरात के अशोक भाई पटेल ने अपनी मुहिम में प्रिंट मीडिया पर प्रहार करते हुए अखबारों की पृथ्वियां जलाकर लोगों को बताया कि कैसे ये अखबार वाले लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये अखबारें इस साधारण बीमारी को एक राक्षस की तरह लोगों को दिखाने का प्रयास कर रही हैं, जो कि सही नहीं है। ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, सबको मास्क ना पहनने पर लोगों से जो 200 रुपये का जुर्माना ले रहे हैं, ये सरासर लोगों के ऊपर एक जुल्म है। तो ये हम डरने वालों में से नहीं, हम उन्हें बता दें। दिव्या भास्कर, प्रश्न नाम बोलो। नहीं, और ये हमें मरने का डर बता रहे हैं। तो हमारे पूर्वज सभी हमेशा मरते आए हैं, तो हम कभी भी हम मरने से डरते नहीं। और हम संदेश देना चाहते हैं अपने देश की, अपने देश की मीडिया कान खोल कर सुन ले, और सरकार भी अपने कान खोल कर सुन ले कि ये जो घोटाला लगा रखा है पूरा, ये कोरोना बहुत बड़ा घोटाला है। वास्तविकता में कोरोना कहीं भी नहीं है, ये सिवाय कल्पना के कुछ नहीं है। तो ये जो अखबार हैं, ये हमारी बातें जो हैं, ये बिल्कुल भी नहीं छाप रही है। और एक तरफ से एक ही बात छाप रही है कि कोरोना बहुत बड़ा राक्षस है। तो हम इस विषय को, अखबारों को, मीडिया को और सरकार को हम ये कह देना चाहते हैं कि आप जो हैं, ये जनता के साथ, जो कि सुप्रीम पावर है, इसके साथ आप ये पंगा ले रहे हो, तो ये गलत बात है। तो आप जो हैं, आपको हम ये सब जुल्म जो हैं, जो आप कर रहे हो, लॉकडाउन किया और उसके बाद ये जो मास्क वगैरह पहनाने का जो जुल्म हो रहा है, और जो 200 रुपया पेनल्टी लेने का जो जुल्म हो रहा है, इसको हम सहने नहीं वाले। बराबर, सरकार ने मीडिया देश में भय फैलावे से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश में भय फैलावे से, जनता ने भय कोरोना ने नामे डरावे से, ने गुनेगार से, जनता ना गुनेगार से, भारत देश ना गुनेगार से, देश द्रोहियों से, जेने खरेखर फांसी नी सजा थवी जोईए।